हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे। यह टॉपिक LLB में जहाँ पर भी मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ये इस टॉपिक से टाइम एंड वर्क टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको देखिए। अगर आप 10 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन अगर टाइम और वर्क का आता है तो आप कर लेंगे। अगर इससे हार्ड पूछता है तो वो LLB का नहीं, SSC का एग्ज़ाम करा रहे हैं। फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और जो चैनल पे नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक मैथ्स से है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, क्या एक तो निकालना पड़ता है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है? जो वहाँ पर आपको डेज दिया रहेगा। और दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। ये दो चीज़ें अगर आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें अगर निकाल लेते हैं तो लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब अगर डेज निकालना है किसी चीज़ का तो डेज को जो है इसी टोटल वर्क और एफिशिएंसी से डिवाइड करके डेज निकाल लेते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, आप लोग इसको याद रखना। LCM निकालना, उम्मीद है ऐसा आशा करते हैं कि आपको LCM निकालना आता होगा, अच्छे से LCM निकाल लेते होंगे। नहीं आता है तो फिर यहाँ पर सीख जाएंगे थोड़ा बहुत। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए डज ए वर्क इन 10 डेज, बी डज वर्क 15 डेज सेम वर्क इन हाउ मैनी, यदि डे दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम करेंगे। डेज निकालना है। डेज निकालने के लिए दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क क्या होता है? LCM। LCM निकालेंगे किसका? इस 10 का और इस 15 का LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे तो 10 का LCM, तो 10 और 15 का LCM। पहले 2 से डिवाइड, 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड, 5 आएगा, वैसे उतार लेंगे, 3 से का डिवाइड नहीं होगा, 15 3 से डिवाइड होगा, 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 जाएगा और 1 जाएगा। अब इन तीनों को जो दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6 6 5 जा 30। टोटल वर्क या LCM क्या आ गया? 30। आपका टोटल वर्क ही जो है वो 30 आ चुका है। टोटल वर्क क्या आया? 30 आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आया आपका? 30। तो अब हम यहाँ पर करेंगे ए क्या है? 10 दिन में करता है। और बी क्या करता है? बी कितने दिन में उसी काम को करता है? 15 डेज का टाइम लेता है, 15 डेज का लेता है। तो यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए इस 10 से 30 में डिवाइड करेंगे, मतलब एफिशिएंसी, अगर एक एफिशिएंसी निकालना है तो 30/10 करेंगे तो एक ही एफिशिएंसी निकलेगी। क्या निकलेगी? एक ही एफिशिएंसी निकलेगी, 3 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 की आई 30, 3 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 3 आ गई। उसी प्रकार 15 के अगर बी की एफिशिएंसी निकालना है तो 30/15 कितनी आएगी इसकी एफिशिएंसी? 2। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। और बी की कितनी आई? ये किसकी एफिशिएंसी है? बी की। तो दोनों की एफिशिएंसी पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया है। अब दोनों एक साथ काम करते हैं कितना ये देख लेते हैं। एफिशिएंसी मतलब 3 दिन में, 1 दिन में वो 3 एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। उनकी क्षमता क्या होगी? 3 की क्षमता से वो 1 दिन में वो जो कार्य करेंगे वो 3 की क्षमता से करेंगे, ये इसका मतलब होता है। 3 की एफिशिएंसी होगी उनकी। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं ए और बी। ए की एफिशिएंसी मिल गई, बी की एफिशिएंसी मिल गई। अगर ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी? दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे एफिशिएंसी को। इसकी ए की 3 थी और बी की 2 थी, तो दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 एफिशिएंसी से। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में तो वो 5 काम का 5 भाग कर लेंगे। किसी कोई काम कर रहे हैं उसका 5 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में। तो डेज निकालना है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं?
इनका डेज अगर निकालना होगा तो एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क कितना आया था 30, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 6 30 6 डेज। अगर दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो वो 6 दिन में उस काम को कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इतना समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर कमेंट करना। और अगला क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा इसमें अलग कर दिए हैं। तो इसमें कहा गया कि ए और बी, अब इसमें पहले तो उसमें ए और बी निकालना था, अब इसमें ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं और ए कितना दिन में करता है 9। सेम चीज़ है, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है तो दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, या 2 से भी कर सकते हैं, पहले हम 3 ही से कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर 3 से 2 और 1, फिर 2 से 1 और 1, 3 9 9 2 18 कितना आया एलसीएम, 18 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 18, 18 आ गया। तो ए और बी क्या करते हैं, कितने दिन में दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, 6 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में वो काम फिनिश कर रहा है 9 डेज। दोनों के एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, इसको 6 से इसको डिवाइड करना, 6 3 18 कितना आया 3 एफिशिएंसी आई। ए 9 डेज है इसका, तो 9 2 18 2 एफिशिएंसी से ये काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने एफिशिएंसी से कर रहे हैं 3 एफिशिएंसी। अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों मिलकर कितने एफिशिएंसी से 2, और ए की एफिशिएंसी कितनी आई 2। अगर यहाँ हम बी की निकाल लेते हैं तो बी की कितनी आ जाएगी 2 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगी। दोनों की पता चल गई, याद रखना बी की 1 और ए की 2 ये आई है। तो यहाँ पर बी अकेला कितना काम करेगा, एक एफिशिएंसी है और काम कितना करना है बी को बेचारे को 18 काम करना है, तो टोटल वर्क या एलसीएम अपान एफिशिएंसी 1 कितना डेज लगेगा 18 डेज लगेगा, 18 डेज में वह काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क 10 डेज। अब यहाँ पर 3 लोग मिलकर 10 दिन में, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में काम करता है। तो अब कह रहा है अगर तीनों लोग एक साथ में काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में निपटा लेंगे, जरूर अगर इतने दिन में कर रहे हैं, अगर तीनों मिलकर करेंगे निश्चित रूप से तीनों जल्दी काम ख़त्म करेंगे। तो सेम चीज़ है, एलसीएम निकालते हैं। अब वैसे निकालना तो जान गए हैं, सबसे बड़ा जो इसमें हो उसको लेते हैं, क्या है सबसे बड़ा 15 की टेबल पढ़ते हैं, 5 15 है, 10 डिवाइड होगा 15 से नहीं होगा, 12 भी नहीं कर पाएंगे, तो 15 की टेबल आगे पढ़ते हैं, 30 आएगा, 30 क्या 10 से डिवाइड होगा, जी हाँ, 12 से होगा नहीं होगा, 15 से थोएगा। फिर उसके बाद 45 देखते हैं, अगला टेबल पढ़ते हैं 45 भी 10 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 4 बार पढ़ते हैं कितना आएगा 60, क्या 60 10 से डिवाइड होगा, जी 12 से भी होगा और 15 से भी होगा, तो इसका एलसीएम क्या आया 60 आ गया। नहीं तो बेसिक तो है ही, तीनों को डिवाइड करो 10 12 15 निकालो यहाँ से एलसीएम, ऐसे करके 2 से काटो, फिर 3 से काटो, 5 से काटो, आ जाएगा एलसीएम, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, यही 60 आपका टोटल वर्क भी हो जाएगा। तो फिर 3 लोग हैं यहाँ पर, ए है, ये कितना दिन करता है 10, बी है कितने दिन में 12 दिन, और सी है, सी कितने दिन में 15 दिन। अब एफिशिएंसी निकालनी है, 10 का इससे डिवाइड करो 6 आ गया, 12 से इससे करो 5 टाइम आ गया, करो डिवाइड 4 आ गया, 6 5 और 4 इन दोनों का, इन तीनों का एफिशिएंसी आ गया, इसका 6 इसका 5 और इसका 4। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे, ये 6 एफिशिएंसी है, तीनों को, तीनों एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे,
तो कितना आया था एफिशिएंसी, 6। कितनी आई थी, 6, 5 और 4, 6 5 11 11 4 15 आ गया, 15 आ गया। एफिशिएंसी कितनी हुई, 15। अब यहाँ पर अगर डेज निकालेंगे तो डेज कितना था, 60 डिवाइड बाई 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 4 60, 4 डेज में तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे जो अकेले 10 12 और 15 दिन में कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत धीरे कर रहे हैं आप, अगर बहुत धीरे लग रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर 1.5 पर देख सकते हैं स्पीड करके, तो वो जैसे वो भी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड एट इट फॉर 2 डेज। वह वर्क कार्य करता है और 2 दिन तक कार्य करता है। ही वाज देन जॉइंड बी, फिर उसके बाद बी ज्वाइन करता है। ए शुरुआत करता है और 2 दिन बाद, 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद बी उसे ज्वाइन करता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू द फिनिश द वर्क। अब एक सिंपल चीज़, पहला काम करेंगे 16 और 12 का एलसीएम, 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 2 32, 12 से डिवाइड नहीं होगा, 16 3 48, 12 6 48, तो एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ पर, 48। एलसीएम कितनी आई, आ गया 48। ए कितना दिन, 16। बी कितने दिन, 12 दिन, 12 दिन काम करते हैं। तो उसके बाद फिर 16 से इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 4, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 4 एफिशिएंसी आ गई। अब पहले 2 दिन कौन कार्य करता है, टोटल काम कितना है, 48। पहले 2 दिन कौन काम करता है अकेले, ए करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 3 एफिशिएंसी से 2 दिन काम करता है, क्या होता है, एक काम करता है कितनी एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम करता है, तो वह कितना काम करता है, 3 2 6, 6 वर्क कंप्लीट, 6 काम कर लेता है वह, 6 वर्क कंप्लीट कर लेता है। टोटल वर्क कितना था, 48, 48 में से 6 वर्क उसने कंप्लीट कर लिया है, तो कितना बचा, 42 वर्क बच गया है, 42 वर्क बच गया। अब 42 वर्क जो है ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, 42 डिवाइड बाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की कितनी थी, 4, 4 3 7 एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 डेज। तो ये दोनों मिलकर 6 डेज में उस काम को फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर तो 2 दिन तक अकेले काम करता है, तो टोटल वर्क 48 आया था, तो 2 दिन तक अकेले काम करता है कितनी एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से 2 दिन काम करता है तो 6 वर्क कंप्लीट कर लेता है। 48 वर्क था, 48 में से 6 कम हो गया, 42, 42 काम फिर उसके बाद ए ज्वाइन कर लेता है, 42 काम दोनों मिलकर करते हैं, तो कितनी एफिशिएंसी से, 7 एफिशिएंसी से 42 काम करते हैं, उसको 6 दिन में निपटा देंगे आसानी के साथ। ये है ये क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग करना इसको। इसमें है कि दे दोनों वही काम है, बी 21 दिन करता है, दे बिगिन टुगेदर वर्क एट, अब इसमें क्या है, दोनों साथ में शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए बीमार पड़ जाता है, तो फिर जो बचा हुआ काम है वो बी अकेले करता है, तो इन हाउ मैनी डेज वर्क द कम्प्लीटेड, वह कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ये आप लोग करने का क्वेश्चन, आप लोगों के लिए है होमवर्क, और कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आ रहा है आंसर, अगर हो सके तो डिटेल भी लिख सकते हैं वहाँ पर, नहीं तो सीधे कमेंट करना आंसर कितना आएगा आप सबका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से आप लोग।
इसमें ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज, बी एंड सी 15 डेज, सी एंड ए 20 डेज। अगर ए अकेला उस जॉब को ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क, अकेला कितने समय में, ए उसे अकेले कितने समय में कंप्लीट कर सकता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या काम है, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना। 20 दूनी 40, 12 से नहीं डिवाइड होगा, 20 3 60, 60 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम क्या बनेगा आपका 60 एलसीएम, क्या होएगा 60 एलसीएम आ गया। अब इसमें तीन बड़े बड़े लोग हैं, एक तो अपना ए प्लस बी है, कितने दिन में, 12 दिन में। उसके बाद कौन है, बी और सी हैं, बी और सी हैं कितने दिन में, 15 दिन वाला। और कौन है, सी और ए हैं, 20 दिन में काम करते हैं। तब यहाँ से आप आसानी सभी के लिए एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगी, 5 आएगी, इसकी 4 आएगी और इसकी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, 3 एफिशिएंसी आ गई। तो अब काम क्या करना है, सबको ऐड कर लेते हैं, तीनों को क्या करते हैं ऐड, ऐड करेंगे तो ए कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 2A हो जाएगा। बी कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 2B। सी कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 2C। काम कितने हैं, 5, 4 और 3, 5, 4 और 3, 5, 4 और 3। अब ये आप देख लिए, अब यहाँ पर जो निकालेंगे, 2 कामन ले लेंगे, अगर 2 हमने यहाँ पर कामन ले लिया, जगह नहीं है, चलो कट करते हैं, याद रखियो 2 वहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 कामन ले लेते हैं, तो ब्रेकेट में क्या बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा और सी बचेगा। उधर कितना आएगा, 5 आया था, 4 आया था और 3 आया था, 5, 4, 9, 9, 3, 12 आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगी, ए बी एंड सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 12/2, 6 की एफिशिएंसी तीनों की आ गई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 6 आ गया ना। तो अब वहाँ पर अगर देखे होंगे तो बी और सी की एफिशिएंसी कुछ आई होगी ना, हमको किसका निकालना है, ए का पूछा, सिर्फ हमको ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो बी और सी की कितनी आई थी, बी और सी यहाँ पर है, टोटल वर्क 60 था, 15 से डिवाइड करेंगे 4, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4, तो ए प्लस बी और सी के स्थान पर 4 = 6, तो ए की कितनी आ जाएगी, 6 माइनस, इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2, तो एक एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो ए कितना काम करेगा, अगर एक एक काम की बात करें तो टोटल वर्क कितना था, 60, टोटल वर्क कितना था, 60 को तो 2 से डिवाइड, कितना आएगा, 30 डेज, तो ए कितने दिन में काम कर लेगा आपका, 30 डेज में ए अपना काम फिनिश कर देगा। समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर से रिपीट कर देंगे, सिंपल चीज़ है। ए और बी 12 दिन में तीनों के एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, 60 फिर 12 का अगर निकालेंगे तो 12 का 4, 12 4 48, 12 5 60, 5 इसका 4 इसका और 3 इसका आ जाएगा, फिर तीनों जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 2A + 2B + 2C = 5 इसका 4 इसका और
तीन इसका 5 4 9 3 12 टोटल 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2, 6 एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों को। अगर एक एफिशिएंसी निकालना है, बी और सी की पता है 4, तो एक एफिशिएंसी निकालने के लिए 6 में से 4 घटा देंगे, 2 आ जाएगा एक एफिशिएंसी, और टोटल वर्क अपन एक एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 24 डेज, अमित कैन डू 30 डेज, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। ये पहला क्वेश्चन टाइप है, इसको आप लोग कर लेना, आंसर कमेंट बॉक्स में करना। 2 क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए। ये भी सेम है, 2 मोटर मशीन राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल ए स्कूटर इन 6 आवर। इसमें बस डेज की जगह आवर दे दिया गया है, और 15 राजू अकेले कितना दिन में। वही चीज़ है कि ए और बी मिलकर काम को 6 दिन में कर लेते हैं, और ए उस काम को 15 दिन में करता है, तो सिराज मतलब बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको आप भी आसानी के साथ, इसको भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 15 2 30 30 एलसीएम आएगा, क्यों 30 आएगा। ए और बी दोनों, राजू और सिराज मिलकर करते हैं 6 दिन में, 6 राजू और सिराज करेंगे 6 दिन में, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। अगर राजू अकेले कर रहा है तो 15 2 30 2 की एफिशिएंसी, राजू की एफिशिएंसी कितनी आई 2, यहाँ पर राजू कहाँ है 2, तो दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी है राजू और सिराज की 5, तो राजू के अकेले कितनी है 2, सिराज की कितनी आएगी 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगी, 3 से उसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 10, मतलब 10 दिन में ये 10 घंटे में ये काम कर लेगा। आप इसको लगा लेंगे आसानी से। चलो 2 क्वेश्चन अभी बचता है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। ए कैन डू 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू द वर्क द कैन इतना 1/4 सेम वर्क का करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सिंपल चीज़ है, तो भाग कितना है ए का कितना 2/3 भाग, 16 दिन में कंप्लीट करते हैं लोग। अगर सिर्फ ए अगर अकेले उसी काम को कितने दिन में अगर करेगा तो कितना जाएगा 16 × 3/2, 2 काम को कितने दिन में 16 दिन में, अगर तीनों काम उसको कंप्लीट करना है एक वर्क तो कितना टाइम लगेगा 8, और कितना आएगा यहाँ पर 24, ये कितना आ जाएगा 24। ए अगर एक काम को करता है तो 24 दिन लगेगा, और उसी प्रकार अगर बी कितना करता है 1/4 काम को 3 दिन में, अगर बी उसको अकेले करना चाहे मतलब पूरा काम कंप्लीट करना चाहे तो 4 3 12 दिन में, बस बन गया 12 और 24। अब दोनों कितने फिनिश करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24 एलसीएम आ जाएगा। कर रहे हैं आंसर, आपको देना है, बता रहे हैं बस, इतना हो गया, ऐसे करना है ना। 24 एलसीएम आ गया, तो 12 बी एक की एफिशिएंसी 1 बी की एफिशिएंसी 3 बी की एफिशिएंसी 2, तो ए और बी की एफिशिएंसी मिला के 3 आ गई, तो कितना आएगा कार, आप कर सकते हैं आंसर करिए इसका। 3 क्वेश्चन हो चुका है। और अगला क्वेश्चन ये भी आसान है, और नीचे पूरा आंसर दिया गया है, कितना आंसर आ रहा है सबका, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। अभ्युदय अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगी। तो और इसका आंसर आप लोग अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम बता रहे हैं फिर से इसका क्या होगा। कह रहा है कि दो मैन सिक्सटीन डिज में किया गया कार्य, और 3 ओमैन द्वारा 16 डिज में किया गया कार्य जो है वो बराबर है। क्या है कि दो आदमी जब काम कर रहे हैं, 2 मैन इन 16 डेज एंड 3 वुमेन इन 16 डेज आर इक्वल। यहाँ बताया गया ना 2 मैन और 3 वुमेन, दो आदमी एक काम को 16 दिन में, या 3 वुमेन 3 औरतें एक काम को 16 डेज में करती हैं, यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। अलग टाइप का है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं 2 तरीके से,
या तो दोनों को जो ये है ये दोनों इधर लाते हैं, 2m अपान 3 वोमैन इक्वल टू, वैसे 16 16 कट ही जाएगा यहाँ पर, तो 1/1 हो जाएगा। या तो ऐसे करते हैं, वहाँ पर 16 16 कट गया तो फिर क्या बचेगा, 2m इक्वल टू 3 वोमैन। एलसीएम ये इसकी एफिशिएंसी और ये इसकी एफिशिएंसी होती है, ये इसकी एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी है, ऐसे कर लेते हैं 1/3/2। अब सामने सामने ये इसकी एफिशिएंसी और ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी m 2 एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी वोमैन की 2, याद रख m की कितनी है 3 एफिशिएंसी और वुमेन की कितनी है 2 एफिशिएंसी। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 3 एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी और 16 डेज निकालेंगे, 3 2 6 16 6 96, 16 6 96 ये आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क भी पता चल गया। अब यहाँ पर चार मैन कितनी एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी और 3 एफिशिएंसी और 6 वुमेन कितनी एफिशिएंसी से, 2 एफिशिएंसी से, तो 4 3 12 टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 24। अब यहाँ पर अगर डेज निकालना हो दोनों मिलकर कितना, मतलब ये दोनों जो काम कर रहे हैं इन दोनों का, यहाँ डेज निकलेगा इक्वल टू 96/24 इक्वल टू 4, कितना डेज आएगा 4 डेज आ जाएगा। इसका बेसिक भी है उससे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए आप सब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।